टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट ड्राइव्स देम क्रेजी अबाउट यू। तो क्या चीज़ जो है वो आपके बारे में उन्हें क्रेजी बनाती है, काफ़ी हद तक मदहोश कर देती है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन को आप ट्री से या इस रुइन से चूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से पाइल नंबर बदमन से चूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से जो है पाइल नंबर टू को आप चूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी से या फिर इस रुइन से या फिर जो है आप अपने बदमन से भी चूज़ कर सकते हैं। वन, अगर आपने ट्री को चूज़ किया या फिर इस रुइन को चूज़ किया, बरकाना को या फिर जो है आपका बदमन इसमें से आया, तो चलिए पेज ऑफ कॉइंस। ओके, नेक्स्ट आ रहा सिक्स ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं, कैसे पैसे उसको अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आ रहा व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ नाइन ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा स्टार, इक्वेरस की एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो है आपकी वैल्यूज से, आपके ड्रेसिंग सेंस से और सबसे ज़्यादा आपकी इनोसेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और यही चीज़ जो है वो आपकी तरफ उन्हें खिंचाव महसूस करवाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है किसी की डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि जो आपकी इनोसेंस है वो इस ज़माने की नहीं है, इस दुनिया की नहीं है, जो आप इतने भोले क्यों हो, और वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बेशक आप जो है इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना पसंद करते हो। आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, आपको माउंटेन्स, पेट्स, बकरी, भेड़, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। आपका जो है दुनियादारी के तरीके का बिहेवियर नहीं होगा। ये चीज़ जो है वो आपकी तरफ ये पर्सन खींचे चले आते हैं इसी वजह से, क्योंकि आप में इनोसेंस अभी भी बरकरार है जो और लोगों में नहीं है। लोग जो है अपने मतलब से बात करते हैं, अपने पैसे से, बाकी सब चीज़ों से जो है बात करते हैं, लेकिन आप में वो चीज़ नहीं है। एक जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस होती है वो चीज़ आप में एक एडल्ट की तरीके से रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस अभी भी है। आप लोगों को अच्छा चाहते हो, अपना अच्छा चाहते हो, देश का अच्छा चाहते हो और लोगों का भी अच्छा चाहते हो। ऐसा नहीं सोच रहे हो कि सिर्फ मेरा भला हो जाए, सामने वाला मर जाए, तो ऐसी चीज़ आपके अंदर नहीं है। आप जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करते हो, या आपकी जो वैल्यूज़ हैं या जो आपको परंपराओं में सिखाई गई हैं वो चीज़ आपको आती होगी। आपको जो है तीरंदाजी जो है शायद सिखाई गई होगी, या किसी ट्राइबल कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। आप जो है पियर्सिंग आपकी हो रखी है या टैटू बन रखे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल तरीके के हों जैसे मैंने ट्राइबल के लिए कहा है, या फिर जो आपको पसंद है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपका जो है जो चेहरा है वो वाकई मासूमियत से भरा हुआ है, और एक गाना भी है मासूमियत, आई थिंक सतेंद्र सरताज का है, तो वो देख लेना। तो कुछ उसी तरीके की चीज़ है। आपको पेट्स से बातें करना, आपने जो अपने फ्लावर्स जो रख रखे हैं घर में, मतलब जो गमले हैं या पौधे हैं, उनका नाम तक रख रखा है, तो आपकी दुनिया में जो है वो एक साफ़ सुथरी दुनिया है। इस वजह से जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है द एम्परर, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द एम्प्रेस। यहाँ पे यही चीज़ है कि आपका जो नेचर है वो एक मदरली नेचर है, अब वो नर्चरिंग नेचर है, हर एक के लिए है। और आपका ऐसा क्यों है, मतलब आप जो है वो स्वार्थी क्यों नहीं बने हो अभी तक, जिस तरीके की दुनिया है वो उन्हें भी जो है एक तरीके से क्रेज़ी बनाता है कि पता नहीं ऐसा क्यों है, आप ऐसे क्यों हो और दुनिया से बिल्कुल अलग क्यों हो। आपको जो है हेयर ड्रेसिंग या जो क्या बोलते हैं उसे, हेयर को जो है बनाने के जो तरीका है वो ट्रेडिशनल है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यूनिक है। आप अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो, आप जो है वो नेचर से जो है बहुत ज़्यादा आपको लगाव है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जो है तारे गिनते हो, बेशक गिनना मुश्किल है ऑब्वियसली, बट कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का आपने नाम रख रखा है, उससे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। एक अलग ही तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये पर्सन जो है फिज़िकली तो आपकी तरफ अट्रैक्शन करते ही हैं, लेकिन आपके जो नेचर है वो आपको यूनिक बनाता है इस पर्सन की आँखों में। ये पर्सन आपकी ब्यूटी से, या जो भी आपका जेंडर हो, अगर आप मेन के लिए भी देख रहे हैं, तो वो जो है जो भी जेंडर हो,
वो जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं, वो अपने आप को प्लेजर देते हैं आपको सोचकर, वो आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको जो है शावर में देखना चाहते हैं, रिवर में देखना चाहते हैं, आपके साथ जो है बंजी जंपिंग करना चाहते हैं, रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं, जो रिवर से रिलेटेड या पॉन्ड से रिलेटेड या बीच से रिलेटेड जो है आपसे घंटों बातें करना चाहते हैं। यहाँ पे डिज़ायर से ज़्यादा जो है इमोशंस है या टाइम स्पेंड करने की इच्छा है। ये चीज़ें जो है आपको अपने आप में यूनिक बनाती है, क्योंकि आपको दुनिया देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है, आपका बात करने का तरीका अलग है, तो इस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और द एम्प्रेस भी है, एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आए। तो ये पर्सन आपको अपने स्पाउस की तरीके से देखने हैं और वो ऐसा चाहते हैं कि भविष्य में जो है आपके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट हो, फैमिली क्रिएट हो, और वो जो है आपकी स्किन को मतलब स्मेल करने की इच्छा रखते हैं या आपके बहुत करीब आना चाहते हैं, बेहद करीब। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। सोर वॉक, तो वो ऐसा चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा विकेट गेम्स। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए सेक्सटिंग, शो मी व्हेन यू वांटेड, टेल मी व्हाट यू लाइक, स्किप द स्पूनिंग, लेट्स फॉक। नेक्स्ट आ रहा है योर वॉइस इज माई फेवरेट साउंड। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए आई वॉन्ट योर लव मार्क्स ऑन माई बैक। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए Darkness, the deepest, darkest desire I have include you being in my bed. Next आ रहा है I want to kiss you in public. और next आ रहा है आपके लिए thigh hickeys. तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। एक और देख लेते हैं strawberries and cream. तो यहाँ पर यही एनर्जी है, वो आपके साथ इस तरीके की चीज़ें भी इमेजिन करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ charms. यहाँ पे वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, पैरट है, कम्युनिकेशन है, डॉल्फिन है, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, प्रिंसेस का ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। हार्ट शेप आई है, रोमांटिक लव है यहाँ पे, एक कटर भी आया है, तो जो चीज़ें आपको रोकनी है उस चीज़ को आपको कट ऑफ करने के लिए वो प्रेरित करना चाहते हैं। और यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है, एक फैमिली क्रिएट करना, एक जो है एक दूसरे का साथ देना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तो यहाँ पर आ रहा है तुमसे गाना है, वरुण जैन और शिल्पा राव ने गाया, देख लेना कौन सा गाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हीरिए, जसलीन रॉय ने गाया है, रॉयल ने गाया, देख लेना कौन है, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरे वास्ते कोई गाना है, सचिन जिगर ने गाया है या डायरेक्ट किया होगा, देख लेना कौन सा गाना है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो आपको गाने जो है वो डेडिकेट करने की इच्छा रखते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। बटू, अगर आपने स्ट्रॉबेरी का चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फ्रेंड, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स, जेमिनी की एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हो, थोड़े से कंजर्वेटिव पर्सन हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप में वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी एक पार्टनर में चाहिए होती है। जो भी जेंडर में आप अट्रैक्टेड हो तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करना चाहते हो। आप बहुत आर्टिस्टिक पर्सन हो, क्रिएटिव पर्सन हो, आपको नॉवल पढ़ना, आपको जो है पेंटिंग करना, चारकोल पेंटिंग करना, स्टैचू बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको अपना पैसा कमाना आता है, और ये चीज़ भी है कि ये पर्सन जो है वो आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, जो कि आपसे आज भी प्यार करते हैं और वो आपके सोशल मीडिया पे जो है नज़र बनाए हुए हैं। जो भी आप छोटी से छोटी चीज़ें डालते हो वो चीज़ ये पर्सन देखते हैं। तो वो क्रेज़ी क्या है आपके बारे में कि एक तो लवर हो आप उनके, ठीक है, चाहे आप उनके साथ शादी में आओ या ना आओ, आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हो, कमिटमेंट आप चाहते थे, शायद नहीं मिल पाया है या कोई और इशू है, रिलीजियस या कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, इस वजह से जो है हो सकता है, इस वजह से जो है आप लोगों ने अपना अलग रास्ता चुना, और ये पर्सन आपसे अभी भी जो है इन्फैचुएशन में है, अट्रैक्शन महसूस करते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं। अगर प्यार कहा जाए तो वो आपसे प्यार करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स, एक रिग्रेट वाली सिचुएशन है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, इनको ऐसा लगता है और हो भी सकता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए हो और आपने शादी कर ली हो,
ऐसी एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है आपके स्पाउस को जो है एक तरीके से अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है कि आप किसी और के हो, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है, फूल है और सन है। तो यहाँ पे जो है जो उनको चाहिए था वो आपके पास सब कुछ था, लेकिन इस पर्सन ने जो है सही तरीके से सही समय पे एक्शंस नहीं लिए, जिसकी वजह से आप दोनों में अलगाव हुआ। और ये पर्सन जो है आप तो मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन ये पर्सन स्ट्रक फील करते हैं आपके बारे में, लगातार सोचते रहते हैं, आपके सोशल मीडिया को देखते हैं, और काफ़ी लंबा समय हो गया होगा, 8 से 10 साल भी हो गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन देखते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग पे जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि सोसाइटी की तरफ से जो है रिस्ट्रिक्शन है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जो है उन्होंने लूज़ कर दिया है, ऐसा उनको लगता है। रही बात क्रेज़ी बनाने की, तो आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी हो या फिर आपकी पर्सनालिटी हो, आपको वो पूरी तरीके से प्यार करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा रिलीजियस या कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, इसकी वजह से वो नहीं मान पाए होंगे, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, और ये पर्सन जो है आपको किसिंग करने की इच्छा रखते हैं, एक तरीके से बहुत पजेसिव एनर्जी है, आपको अपने पास ही रखना चाहते हैं। ये उनको मालूम है कि ये रियलिटी नहीं है, लेकिन ये जो है वो अपने आप में ही इमेजिन करते हैं और इस चीज़ को वो सोचते रहते हैं। इस चीज़ में भी, इस रीडिंग में भी जो है बहुत ज़्यादा डिज़ायर से ज़्यादा जो है उनके इमोशनल चीज़ पे जो है वो एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है, कि वो प्यार किसी और से करते हैं और रहना उन्हें किसी और के साथ पड़ रहा है, और आप जो है अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, तो आपकी वो जो खुशी है ना मूव ऑन होने की, या आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, तो वो चीज़ जो है इनको पेन देती है, ये वो एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, उनके डिज़ायर्स में अगर हो सके तो क्या होगा। विथ फर्म टाइट ग्रिप इट हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आ रहा है कर्व्स, रनिंग फिंगर टिप्स ओवर एवरी इंच, स्लो किसेस टिकल्स अप इनर थाइस। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, अप अगेंस्ट द वॉल, पावरफुल पैशन ऑल नाइट लॉन्ग। नेक्स्ट आ रहा है आई नो ऑल योर वीक स्पॉट्स। नेक्स्ट आ रहा है योर सेक्सुअलिटी इज़ इररेसिस्टिबल, तो वो ऐसा सोचते हैं। आई लव योर मिस्टीरियस एंड सीक्रेटिव साइड। और लास्ट में आ रहा है आई जस्ट वॉन्ट टू होल्ड यू इंटीमेट कडल, तो वो जो है ये चीज़ चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे लव है, इंट्रोस्पेक्शन मिरर आया, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, रिकनसाइल करना चाहते हैं, रीबर्थ वाली सिचुएशन है, ये आपके ऊपर है। अगर आप किसी से ऑलरेडी मैरिड नहीं हो, बाकी सब चीज़ें हैं और आप रिकनसाइल करना चाहते हो, तो बेशक करो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लो और आगे बढ़ो, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। मैं जहाँ रहूँ राहत फ़तेह अली खान का है, तो देख लेना किस तरीके का गाना है इनके मन में। तन्हा दिल शान ने गाया था। और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए इत्तेफाक, सिद्धांत चतुर्वेदी ने गाया, देख लेना कौन सा गाना है और ये किस तरीके से जो है आपसे रेजोनेट करता है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।